धर्म इस प्रकार रह गया कि स्त्री के अपमान पर पूरी की पूरी महाभारत हो जाती थी। और मस्जिदों से सीधा प्रसारण किया गया कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। और एक चीज और कही गई कि अपनी माताओं को बहनों को हमारे बीच में छोड़ जाएं। किसके लिए? हमारी माताओं बहनों के साथ वहां रेप हुआ, बलात्कार हुआ, ये सब हमारी आंखों के सामने। हमारे बीच में आपके बजरंग दल के प्रखंड संयोजक माननीय आकाश जी, जो हम लोगों के स्थापना दिवस के बारे में अवगत कराएंगे। माननीय आकाश जी, अब आप सबके बीच में हमारे आकाश जी, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक। सभी को जय श्री राम। महाभारत तो आप सबने देखी होगी, जब हमारी एक माता का चीरहरण हो रहा था तो उसमें एक से एक महापुरुष बैठे थे, एक से एक बलशाली लोग बैठे थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वो नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आजकल स्थिति हमारी वही है कि अगर मतलब हमें क्या लेना देना, जो हो रहा है होना होने दो, तो उनको सब लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और एक स्त्री के अपमान पर हमारा इतिहास इतना ऐसा रहा है, हमारा धर्म इस प्रकार रहा कि एक स्त्री के अपमान पर पूरी की पूरी महाभारत हो जाती थी। और मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ, हम तो छोटे थे, आप ही का टाइम होगा, आप लोगों हमारे कश्मीर के हिंदुओं के साथ नरसंहार। अपने कश्मीर के हिंदुओं के पास क्या नहीं था, हर चीज थी। कश्मीर में हिंदुओं के पास ही हर चीज थी, वही वहाँ के जमींदार थे, बाग बगीचे थे, बड़े बड़े मकान थे, हर चीज थी। वो लोग सिर्फ हमारे यहाँ काम किया करते थे, लेकिन क्या है, उन्होंने एक ही दिन में हमसे हर चीज छीन ली, एक ही दिन में हर चीज छीन ली। और हम और मस्जिदों से सीधा प्रसारण किया गया कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। और एक चीज और कही गई कि अपनी माताओं को बहनों को हमारे बीच में छोड़ जाएं। किसके लिए? हमारी माताओं बहनों के साथ वहां रेप हुआ, बलात्कार हुआ, ये सब हमारी आंखों के सामने। और आज हम ऐसे समाज में जी रहे क्यों, कि किसी को धर्म से मतलब ही नहीं है भाई। पहले हमारा इतिहास देखा जाए तो एक स्त्री के साथ अगर कोई अपमानजनक चीज होती थी तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो जाता था। आज हमारी हजारों माता बहनों के साथ कश्मीर में नरसंहार हुआ, कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हमारा समाज क्या कि आजकल सो गया है, क्योंकि अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम सो जाते हैं तो कोई हमें मतलब ही नहीं रहता है। अगर हम उस चीज में जागरूक रहेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे तो दुश्मन भी हमसे घबराएगा कि ऐसा करेंगे तो ये एक्शन लेंगे। अगर हमें कोई मतलब ही नहीं है तो आज स्थिति जो कश्मीर में जो हो चुका है, आज वो स्थिति बंगाल में है, आज वो स्थिति केरला में खड़ी हो रही। और मैं अपनी यूपी की बता रहा हूँ, वो अगर इस समय ऐसी सरकार न होती, इस तरह की कड़ाई न होती, ऐसी घटना अपन को यूपी में भी देखने को मिलती, ये चीज हकीकत है। और अभी आप इतने लोग बैठे हैं, अभी मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी? शायद दो चार लोगों छोड़े किसी ने नहीं देखी होगी। द केरला स्टोरी मूवी आई थी, वो किसी ने देखी? वो किसी शायद एक आध दो लोग छोड़े किसी ने नहीं देखी होगी। वो हमारी सच्चाई है जो हुआ केरला में, हमारी 30,000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा प्यार के जाल में फंसा के फिर उनका धन परिवर्तन करा के उन्हें इराक सीरिया भेजा गया। इराक सीरिया में जो आतंकवादी है, आईएसआईएस संगठन है आतंकवादी, उसने वो वहां लड़कियों को वहां भेजा जाता, फिर उन्हें देह व्यापार में इन्वॉल्व किया जाता है, फिर उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें फिर आतंकवादी गतियों में लिप्त किया जाता है, फिर हम तुम लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। तो हम अपने जो अभी समाज जागरूक हो रहा है, मूवी बन रही है, सब हमें अपनी मूवी देखने का भी टाइम नहीं है। और मेरी आपसे यही विनती है कि जो ये दो मूवी हैं,
द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी से आप अवश्य देखें। अगर आप इन मूवियों को देखेंगे तो आप खुद विचार करेंगे, हमें बताने कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या हुआ है, और केरला में क्या हुआ था और क्या हो रहा है। और जब आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखेंगे तो मूवी देख कर ही आपको रोना आ जाएगा। आप जब जिनके साथ ये चीज बीती होगी तो बताइए आप कितनी बुरी हालत होगी, क्या कैसी स्थिति रही होगी, मूवी देख के मुझे रोना आ गया था। तो आप जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको खुद अपने आप में विचार आएंगे, आप खुद सोचेंगे, हमें बताने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप आगे जागरूक होंगे। आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। हमें ऐसी घटना को हम देख के हमें, मैं आपको अपना बता दूं, इस एज में लड़के खेलते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उसे आज की स्थिति बता रहा हूँ, ज्यादा ढंग से मतलब नहीं रहता है। मैं यही सब चीजें देख के, यही सब चीजें जब रोज देखता हूँ, न्यूज में सुनता हूँ, तो मैं विष्णु परिषद को अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसलिए अपना पूर्ण काल निकल रहा हूँ कि मैं लोगों को, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकूं। क्योंकि जब मेरी माता और बहनों के साथ गलत होता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, रोना आता है। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। भैया ने ये कहा, मैं भैया से निवेदन करता हूँ कि गांव में बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और युवाओं को इकट्ठा करके मूवी दिखाएं और इनको जागृत करें। अगर इतना करो, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। ये भाई साहब ने जो बात कही है, ये बात मैंने बहुत पहले सोच ली थी। वो मैं थोड़े दिन बाद जब मेरे पास थोड़ी चीजें मैं सब व्यवस्थित कर लेता, सब प्राप्त कर लेता, तो मेरे भाई साहब, मेरी ये पूरी प्लानिंग थी कि मैं गांव गांव जाके ये मूवी दिखाऊंगा। दोनों मूवी आप दिखाएंगे प्रोग्राम। ठीक, जय श्री राम।